हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो दोस्तों, अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन या एक जिम पर्सन हैं और अगर आपको आपके कोच ने या आपके ट्रेनर ने प्रोटीन प्रोडक्ट लेने के लिए कहा है और आप कंफ्यूज हैं कि आप वेजिटेरियन होते हुए एक गुड प्रोटीन सोर्स कैसे ले सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट में सबसे हायर लेवल में जो प्रोटीन सोर्स रखते हैं उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको उन दाल के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट रखते हैं, जिसमें सबसे पहले है सोयाबीन। इसमें आपको 100 ग्राम में 36.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है हेम्प सीड, इसमें 100 ग्राम में 30 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है उड़द, इसमें आपको 100 ग्राम में 26 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है चिया सीड, इसमें आपको 100 ग्राम में 17 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है चना, इसमें आपको 100 ग्राम में 13 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है ओट्स, इसमें आपको 100 ग्राम में 12.5 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है राजमा, इसमें आपको 100 ग्राम में 11 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। एंड नेक्स्ट है मूंग दाल, इसमें आपको 100 ग्राम में 8 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। दाल के बाद आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो हायर लेवल पे प्रोटीन कंटेंट रखता है वो है चीज, जिसमें आपको 100 ग्राम में 22.9 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है पनीर, इसमें आपको 100 ग्राम में 14 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है योगर्ट, इसमें आपको 100 ग्राम में 10.2 ग्राम के प्रोटीन मिलता है। एंड नेक्स्ट है मिल्क, इसमें आपको 100 ml में 3.4 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद आते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स में जो हायर लेवल पे प्रोटीन कंटेंट रखता है वो है पीनट, जो आपको 1 औंस में 7.43 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है आमंड, जिसमें आपको 1 औंस में 6.1 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है पिस्ता, इसमें आपको 1 औंस में 5.95 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है कैशियोज, इसमें आपको 1 औंस में 4.24 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। एंड नेक्स्ट है वॉलनट, इसमें आपको 1 औंस में 4 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। अब ड्राई फ्रूट्स के बाद बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट रखता है वो है गुआवा, जिसमें 100 ग्राम में आपको 2.6 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है एवोकाडो, जो 100 ग्राम में 2 ग्राम का प्रोटीन देता है। नेक्स्ट है जैक फ्रूट, जो 100 ग्राम में 1.8 ग्राम का प्रोटीन देता है। नेक्स्ट है एप्रिकोट, जो 100 ग्राम में 1.4 ग्राम का प्रोटीन देता है। नेक्स्ट है कीवी, ब्लैकबेरी एंड बनाना, जो आपको 100 ग्राम में 1 ग्राम का प्रोटीन देता है। अब फ्रूट्स के बाद बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में जो हायर लेवल पे प्रोटीन कंटेंट रखता है वो है टमाटो, जिसमें आपको 100 ग्राम में 11.2 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है मशरूम, इसमें आपको 100 ग्राम में 6.8 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है बीन्स, इसमें आपको 100 ग्राम में 6.3 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है गार्लिक, इसमें आपको 100 ग्राम में 6.1 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है पोटैटो, इसमें आपको 100 ग्राम में 6 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस, इसमें आपको 100 ग्राम में 5.9 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है कॉर्न्स, इसमें आपको 100 ग्राम में 4.2 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। एंड नेक्स्ट है स्पिनेच, इसमें आपको 100 ग्राम में 4.1 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। सो दोस्तों, ये है कुछ इंडियन फूड्स जिसमें हायर प्रोटीन कंटेंट है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप इन वैरायटीज ऑफ फूड्स को मिक्स करके भी अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।